थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था उसके बारे में, तो उसमें मैंने देखा कि इस बार रिबेट के लिए जो पहले 5 लाख तक का हम लोग को मिलता था कि तो आज हम लोग विनोबा भावे आए हैं और विनोबा भावे आम बजट के बारे में लोगों से जान रहे हैं। किस विभाग से हैं हम लोग? इंटीग्रेटेड बीएड से। तो ये बताइए, अभी आम बजट पास हुआ है सरकार का, उसके बारे में क्या जानते हैं? किस विभाग से हैं आप? जूलॉजी डिपार्टमेंट। जूलॉजी से। ये बताइए, अभी आम बजट पास हुआ है, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? क्या है उसमें? कोई आइडिया नहीं है मेरा। नहीं आइडिया है बजट के बारे में? आइडिया नहीं। इकोनॉमिक्स से हैं, तब तो आप लोग बता पाएंगे। अभी आम बजट पास हुआ है, उसके बारे में आप लोग बताइए थोड़ा, क्या बजट के बारे में अगर कुछ बता पाएंगे? नो सर, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तो अपनी पढ़ाई पे ही फोकस है बस। बजट के बारे में नहीं जान रहे आप भी? नहीं। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय आया हूँ और आम बजट के बारे में आम लोगों से जानेंगे। यहाँ पे छात्र आना जाना कर रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे बजट के बारे में वो कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। तो ये है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो आ रही हैं, कैमरा देख के लगता है कि भाग रही हैं। तो एक मिनट मैडम, किस विभाग से हैं आप? जूलॉजी डिपार्टमेंट। जूलॉजी से। ये बताइए, अभी आम बजट पास हुआ है, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? क्या आम बजट अभी पास हुआ है, उसके बारे में क्या जानते हैं? ये कि बहुत कुछ ये सस्ता हुआ है और जैसे ऑनलाइन चीज़ें बहुत सस्ती हुई है और इलेक्ट्रॉनिक सामान, और तो उतना नहीं मेरे को क्लियर है। उतना नहीं पता नहीं। उतना पता है इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हुआ। ये किससे पता है आपको? क्या और भी कुछ छात्र हैं यहाँ पे कैमरा देख के भाग नहीं रहे हैं? आप किस विभाग से हैं? यूएलसी, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। अच्छा, आप बताइए, अभी बजट पास हुआ है, हम बजट उसके बारे में क्या जानते हैं आप? क्या है उसमें? कोई आइडिया नहीं है मेरा। नहीं आइडिया है बजट के बारे में? आइडिया नहीं है। आइए, आम लोग हैं तो यहाँ आम लोग से ही पूछते हैं, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं, यहाँ जानते हैं। अभी सरकार ने आम बजट पास किया है, उसमें क्या है आप लोग के लिए? हम लोग तो जान भी नहीं रहे। नहीं जान रहे हैं। महंगाई भत्ता जो बढ़ा था उसके बारे जान रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो लग रहा है कि वो भी नहीं मिल रहा है। हाँ, बस कर रहे हैं कि आखिर आम बजट में कितना आम है और वो क्या जानते हैं, किस विभाग से हैं, कैसे हैं। भागिए मत। किस विभाग से हैं आप लोग? इकोनॉमिक्स से हैं, तब तो आप लोग बता पाएंगे। अभी आम बजट पास हुआ है, उसके बारे में आप लोग बताइए थोड़ा, क्या मिला है, किसको क्या मिला है, मिडिल क्लास को, हायर क्लास को, क्या क्या मिला है? सर, टोटल जो बजट एलोकेट है वो 45,000 करोड़ का किया गया, ठीक है। और इसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बता सकते हैं कि जो मत्स्य पालन के लिए वो 6,000 करोड़ तक का किया गया है, और किसान को लोन देने के लिए 20,00,000 करोड़ का भी दिया गया है। और इसमें बागवानी के लिए ये 2,200 कुछ करके समथिंग इतना दिया गया है। और फिर टैक्स लैब भी पढ़े हैं। क्या पढ़ा है टैक्स लैब? जीरो से 3 लाख के बीच में रहता है, उसको कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। 3 से 6 लाख के में जो है वो 5% दिया जाएगा, फिर 6 से 9 लाख में जो वो 10%, इस तरीके से लास्ट 5 से ऊपर तक में 30% तक का स्लैब दिया। वो कम हो गया है जी। और क्या है बजट में मिडिल क्लास के लिए, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐसा हुआ है सर? अभी क्योंकि हम लोग को एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ने के लिए बोला गया था। अच्छा। तो स्पेशली मेरा उसी पे फोकस था, तो एग्रीकल्चर पे आप लोग ने पढ़ाई जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक मुर्मू। अभिषेक जी, ये बताइए, अभी आम बजट पास हुआ है सरकार का, क्या जानते हैं आम बजट के बारे में? फिलहाल तो बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं लिए हैं। कोई जानकारी नहीं लिए? नहीं लिए। क्या पढ़ते हैं आप यहाँ पे? इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड बीएड, तो कुछ भी पता नहीं है बजट के बारे में? नहीं, फिलहाल तो नहीं पता है। कुछ नहीं बोल पाइएगा? नहीं बोल पाएंगे। चलें। किस विभाग से आप हैं? हम यह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग में, तो आप इंजीनियर है, इंजीनियर देश के नागरिक है, आप बताइए अभी बजट पास हुआ है, कैसा है यहाँ का बजट? बजट बस मिडिल क्लास के लिए थोड़ा रिलैक्स है, जो इसमें आया है कि 7 लाख से अगर नीचे रहता है तो उसके लिए इनकम टैक्स ये सब नहीं लगेगा। तो मिडिल क्लास के लिए थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे तो। और क्या है खास बात बजट में? खास बात है वैसा तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, बट पढ़ा है आपने बजट? थोड़ा बहुत देखा है। थोड़ा बहुत देखा है, पूरा डिटेल नहीं? नहीं, पूरा डिटेल्स में सारी। ये विभाग में और यहाँ पे कॉमर्स के बच्चे हैं, आइए उनसे जानते हैं। रोक दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे कुछ। हाँ, तो आप कॉमर्स पढ़ते हैं यहाँ पे, ये बताइए अभी देश का आम बजट पास हुआ है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, कितना बता पाते हैं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं देखा नहीं हूँ बजट को, अभी पढ़ा नहीं हूँ कि मैं बिजी था, घर पे फंक्शंस वगैरह थे। नहीं जानते हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता है। कॉमर्स के छात्र हैं, कैसे होगा? छात्र है वो तो अच्छा, मतलब मुझे जानना होना चाहिए, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैं नहीं कर पाया।
अच्छा। ध्यान दूंगा आज से। आप लोग बजट के बारे में जानते हैं, अभी जो आम बजट पास हुआ है देश में उसके बारे में? थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था उसके बारे में, तो उसमें मैंने देखा कि इस बारी रिबेट के लिए जो पहले 5 लाख तक का हम लोग को मिलता था कि 5 लाख अगर आपका इनकम है देन आपको रिबेट मिल जाएगा, इस बारी उस अमाउंट को हम लोग ने मतलब हमारे सरकार ने 7 लाख तक पहुंचा दिया है। मतलब अगर आपका इनकम 7 लाख होता है देन फिर आपको रिबेट मिल जाएगा। तो ये जो हमारे आम जनता है उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा हुआ कि 7 लाख तक कहीं ना कहीं आपका इनकम टैक्स फ्री हो गया। और कुछ खास बात बजट में? नहीं, मैंने मतलब अपने सेक्टर के हिसाब से, कॉमर्स के हिसाब से मैंने ये बेसिक चीज़ पढ़ा था। अच्छा। इसमें आया और कुछ और प्रोविजंस आए हैं तो उसको मुझे अभी पढ़ना बाकी है। इनकम टैक्स रिबेट। हाँ। आप एमकॉम कर रही हैं, फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर? नहीं, हमारा लास्ट है, लास्ट सेमेस्टर 4। तो मेरे साथ विनोबा भावे कुछ छात्र यहाँ पे है, कैंपस का आनंद ले रहे हैं। आइए जानते हैं आप किस विभाग से हैं। हम लोग इंटीग्रेटेड बीएड से। तो ये बताइए, अभी आम बजट पास हुआ है सरकार का, उसके बारे में क्या जानते हैं? इधर इधर देख के बोलिए। हाँ, आप लोग जानते हैं आम बजट के बारे में कुछ? नहीं, हाँ, ज़्यादा नहीं। जितना जानते हो उतना बताइए। तो देखिए, पता नहीं लोग बजट के नाम से भाग क्यों रहे हैं, पता नहीं। आम बजट है, आम लोगों को जानना चाहिए, आम लोग कितना जानते हैं वही पूछने के लिए हम लोग आए थे। बीटेक यूसेट से है। तो यूसेट के यहाँ बच्चे हैं, अभी आम बजट पास हुआ है, हम लोग जानते हैं उनके उनसे कि आम बजट में क्या खास है इस बार, बजट में क्या खास है इस बार? तो पता नहीं है हम लोग के बारे में, इसके बारे में पता नहीं है। नहीं पता, बजट के बारे में कुछ नहीं पता। आप जानते हैं? कुछ नहीं जानते। आप लोग कोई जानते हैं? नहीं जानते। आप इंजीनियरिंग छात्रों के लिए क्या है इस पर बजट में? इस बार हम लोगों को तो कुछ छूट दिया नहीं गया है। कुछ छूट नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। तो किसको छूट दिया गया? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो लोग टैक्स भरते हैं वो लोग को। बाकी क्या छूट दिया गया उनको? 7 लाख से ऊपर है तो तभी वो लोग टैक्स भर सकते हैं, उससे कम में कोई टैक्स नहीं। पहले क्या था? पहले कम में भी टैक्स था। कितना कम में? मे बी 4। 4 में था? 4 या 5। श्योर है? भागते हैं यहाँ से लोग। देखिए कैंटीन है, कैंटीन के बाहर कुछ छात्र हैं विनोबा भावे के। आइए जानते हैं किस विभाग से हैं और किस विभाग से हैं आप यहाँ? लॉ। लॉ लॉ लॉ। ये बताइए, अभी जो बजट पास हुआ है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या है उसमें? ये इनकम टैक्स का जो आपका स्लैब है उसको जो है 7 लाख तक बढ़ा दिया गया है। उसमें आपका 7 लाख से कम इनकम वाले जो लोग भी हैं उनका जो इनकम टैक्स जो फाइल होगा उनको वो रिबेट की तरह के मिल जाएगा। अच्छा। और क्या है बजट में? और आपका जो है क्या बोलते हैं, सिगरेट्स हो गया, ये सब पे जो है आपका टैक्स जो है बढ़ा दिया गया है। फिर आपका बेसिकली आपका मिडिल क्लास लोगों को जो है ये बात हमेशा से रहता है कि बजट में जो है हम लोग को जो है हम लोग को जो है नहीं देखा जा रहा है, हम लोग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लोग जो है कहते हैं। और आपका क्या बोलते हैं, हाँ, आपका जो 16 लाख से ऊपर जो लोग का इनकम है वो लोग उन लोग का जो है बढ़ा दिया गया है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अलावा और क्या मिला है बजट में, इसके बारे में तो और पढ़ना पड़ेगा। अभी बजट पास हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है उसमें? बजट अगर देखा जाए तो एक तरह से मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन से मतलब किसके लिए वो, कुछ के लिए कोई कोई सब लोग अलग अलग तरीका से सोचता है। किसी को लगता है कि फ़ायदेमंद है, किसी को लगता है कि अच्छा नहीं है। वैसे अगर डिफेंस के लिए बोला जाए तो अच्छा है डिफेंस के। मुझे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डिफेंस का बजट अच्छा है। क्या है उसमें? डिफेंस के बजट में ऑलमोस्ट 2.75 समथिंग या 2 या ऑलमोस्ट मतलब 3 करोड़ के आसपास, मतलब 3 लाख करोड़ के आसपास है बजट। अच्छा। तो जो कि हमारे डिफेंस को और भी मजबूत करेगा। और कहीं अगर कुछ खामियां हैं डिफेंस में हमारे, जो लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ कभी हो जाता है, तो उसको और भी अच्छे से उसको इम्प्रोवाइज किया जाएगा। महंगाई को लेकर क्या है बजट? उसके बारे में क्या बोले, थोड़ा बहुत तो मतलब करना चाहिए था उन पर, मतलब ध्यान देना चाहिए था उस पर। महंगाई तो है, बढ़ा थोड़ा है, इफेक्ट करेगा इस बजट से थोड़ा सा महंगाई। ये अभी सरकार ने बजट लाया है उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या बता पा? इसका तो अभी हम, मेरे पास ये नहीं है कुछ डेटा नहीं है। नहीं, आप लोगों में से कोई बजट के बारे में अगर कुछ बता पाएंगे? नो सर, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तो अपनी पढ़ाई पे ही फोकस है बस। बजट के बारे में नहीं जान रहे? आप भी नहीं जान रहे? कुछ नहीं।